ग्वालियर में गौरवशाली सामाजिक संस्था ने श्रीमद भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था ने पत्रकारों का सम्मान भी किया। ग्वालियर गौरवशाली श्रीमद भागवत सेवा समिति और गौरवशाली सामाजिक संस्था ने श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जो प्रसिद्ध भागवत आचार्य घनश्याम शास्त्री के मुखारविंद से श्रवण करवाया गया। आचार्य घनश्याम शास्त्री ने बताया कि इस भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण और धर्मार्थ प्रचार से युवाओं को भारतीय संस्कृति और संस्कार पूजा पाठ के प्रति आकर्षित करना है, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सुरक्षा जैसे विषयों को प्रोत्साहन करना है। संस्था अध्यक्ष शिल्पा डोगरा ने कहा कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य देश में कोई भूखा ना सोए संकल्प पर वर्ष 2019 से निरंतर कार्य करती आ रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। वहीं समारोह में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। सर, हम लोग संकल्प कोई भूखा ना सोए पे कार्य करते हैं और विधि कैंप लगाते हैं, और शहर में ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है तो उन लोगों की हम लोग सेवा करते हैं, और जो लोग रास्ता भटक जाते हैं उनको हम कानून की सहायता से उनके घर तक भी पहुंचाते हैं, और हॉस्पिटल में भी अगर उनको सुविधा या कोई दिक्कत आती है तो उनकी पूरी मदद की जाती है। और अवेयरनेस के लिए बच्चों के लिए हम कंटिन्यू कैंप करते हैं विधिक सहायता की तरफ से, और जगह जगह जाके छोटे छोटे बच्चे हो गए चाहे महिला हो गई, किसी भी तरीके की कोई भी मदद हो चाहे मूल पुरुष हो, उनकी पूरी मदद करने की कोशिश गौरवशाली सामाजिक संस्था की पूरी टीम करती है। सर, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो समय रखा गया है श्रवण के लिए वो 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक का रखा गया है, और सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है उसमें शिविर आयोजन का समय रखा गया है। उसमें गरीब अनाथ वर्ग को शिविर में डॉक्टर यहाँ उपलब्ध मिलेंगे, दवाइयाँ भी यहाँ उपलब्ध मिलेंगी, और उनके सहायतार्थी भागवत की कथा की जा रही है। इसमें जन कल्याण की भावना से और लोगों को लाभ देने के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया जा रहा है। गौरवशाली सामाजिक संस्था 2019 से निरंतर ग्वालियर में काम कर रहे हैं। उस समय एक ऐसा पीरियड आया था कि लोग बाग अपने घर से निकलना दूर था, लोग बाग खाने के लिए तरस रहे थे। उस समय गौरवशाली सामाजिक संस्था के वासुदेव मिश्रा और शिल्पा डोंगरा और अन्य सभी पदाधिकारियों ने जाकर ऐसी ऐसी जगह पे गए, यहाँ लोग केवल आटा घोल के पी रहे थे। तो उसी दिन से एक जागृति मन में एक जागृति आई कि मैंने कि कोई ऐसा काम किया जाए संस्था के द्वारा कि कोई भी शाम को भूखा ना सोए। इसको लेकर के हम कमला राजा में अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर के खाद्य सामग्री बांटते, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।